Now let's start the next question. Question number 6. State whether the following lines are sides of a triangle or not. ये जो लेंस दिए हुए हैं वो सारे साइड ट्राइंगल के साइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल की लेंथ मतलब ट्राइंगल की साइड्स अगर हमको दिए हैं तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई भी दो साइड्स को ऐड करोगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए. So first of all here this two sides if we will add 6 centimeter plus 7 centimeter. 6 centimeter plus 7 centimeter is 13 centimeter and it is greater than 9 centimeter. Now let's take the another pair 7 and 9. 7 plus 9. 7 plus 9 is 16 centimeter and that is greater than 6 centimeter. Let's take the next pair 6 centimeter and 9 centimeter. 6 plus 9 is 15 centimeter and 15 is also greater than 7 centimeter. So in all these three cases we can see that the sum of two sides of the triangle is always greater than the third side. So here the triangle is possible. Triangle can be formed. Okay, here I am giving you some more sums for this 5, 3 and 2. Next is 7.1, 11.4, 8.2. Next, 9.5, 15.3. 6.1. And the last is 15 centimeter, 6.2 centimeter, 7.8 centimeter. Okay, so here with this size you need to find that the triangle is possible or not. Now next is the right angle triangle. Right angle triangle it means Pythagoras. Yes, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem आपको क्या बताता है कि hypotenuse जो होता है hypotenuse का square बाकी के दोनों sides के square के sum के equal होता है. Already हमने इसके basis पे questions कर लिए हुए हैं. Let's take one or two more sums. Okay? Pythagoras theorem ये जो भी सेटिस्फाइड करता है मतलब कि अगर कोई भी दो साइड्स उसके दो लेंथ्स हैं वो 3 एंड 4 सेंटीमीटर दे एंड द हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर. सो ऑल दिस थ्री साइड्स 3 4 एंड 5 दिस थ्री नंबर्स आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बिकॉज वी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं. ओके सो दैट थिंग यू शुड कीप इट इन योर माइंड. इट कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द क्वेश्चन. इट कैन बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव्स आल्सो. ओके कि इसको क्या बोल सकते हैं तो इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मतलब है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स. राइट ट्राइंगल्स जो दिए हुए हैं उसमें हाइपोटेन्यूज का लेंथ फाइंड आउट करना है. इन द ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, BC is equal to 8 centimeter and CA is equal to 6 centimeter. So triangle ABC first of all right angle triangle है. यहाँ पर angle C is 90 degree. तो यहाँ पर C आएगा. A और B को आप कहीं पे भी रख सकते हो. BC is equal to 8 centimeter. This one is 8 and CA is equal to 6 centimeter. What is the length of hypotenuse? हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी क्या है यहां पर? 6 सेंटीमीटर.
आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस मीन्स टू साइड्स आर इक्वल। अगर ये इस तरह से ट्राइंगल है तो यहाँ पर हाइपोटेनियस स्क्वायर जो है वो है 288 और बाकी के दोनों साइड्स क्या बन जाएंगे एक्स और एक्स। ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेग्स। लेंथ ऑफ द लेग्स इट मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हियर इट इज 288, बेस इज एक्स, so x square and perpendicular is also x, so x square. दोनों x है, दोनों isosceles है, isosceles का मतलब है same length होगी, length same मतलब x और x area में। यहाँ पर 288 is equal to 2x square. ये two multiply है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? Divide हो जाएगा, is equal to x square. Two ones are two, 144. x square is equal to 144, so x is equal to 12. Okay, x is equal to 12. 144 का square root निकाला मैंने, that is 12. So 12 क्या है? Legs की length है। कोई भी दोनों में से कोई भी leg ले लो, वो उसकी length क्या रहेगी? 12 centimeter. 12 रहेगी, 12 units. Centimeter meters तो कुछ बताया नहीं है, so units. Okay? Question number 10, problem sums में हम के लिए दे दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। फाइंड द लेंथ ऑफ द letter kept at a distance of in the homework.